हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड यू आर वेलकम्ड अगेन इन आवर इंग्लिश क्लास फॉर 12th. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन 15 क्वेश्चंस ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट एंड इन टुडेज क्लास वी विल डू रिमेनिंग ऑफ अवर क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 16. व्हाई डिडंट फ्रेंड्स डेयर टू लुक अप. फ्रेंड्स ऊपर की तरफ देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाया. जब एम हमल ने क्वेश्चन किया उनसे पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस जब पूछे तो फ्रेंड्स है वो आंसर नहीं दे पाया और यहाँ तक कि वो ऊपर की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाया. ऐसा क्यों? बिकॉज ही हैड मिक्सड अप हिज वर्ड्स एंड फेल्ट एम्ब्रेस्ड. क्योंकि मिक्सड अप वह कन्फ्यूज हो गया था अपने को क्लियर करने के लिए और वर्ड्स हैं वो उसके गले में ही अटक के रह गए थे क्योंकि उसको आते ही नहीं थे. और दूसरा रीजन ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, उसे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी, लज्जा महसूस हो रही थी वर्क न करने की वजह से. नेक्स्ट इज व्हाई डिड एम हेमल क्लेम फ्रेंच टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. एम हेमल हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे सुंदर लैंग्वेज, संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज बताने का दावा क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एम हेमल. क्योंकि एम हेमल मानते थे कि ये सबसे ज़्यादा क्लियर और सबसे ज़्यादा लॉजिकल तथ्यपूर्ण है. विच रोल डज ए लैंग्वेज प्ले वैन People are enslaved. Which role does a language जो है हमारी जो भाषा है वो कौन सा रोल अदा करती है, कौन सा किसी भूमिका निभाती है जब लोग यदि enslaved दास बना लिए जाएं, सेवक बना लिए जाएं या बंदी बना लिए जाएं, तो उस समय उनकी जो लैंग्वेज है, हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या काम करेगी. It becomes a key to their prison for liberation. At that time, language would become a key to their prison. Means, prison की चाबी का काम है वो language करेगी ताकि वहाँ से liberate हो सकें, आज़ादी मिल सके. वहाँ से स्वतंत्र होने के लिए prison, कैद से स्वतंत्र होने के लिए जो language है वो key का काम करेगी, चाबी का काम करेगी. How did the teacher speak to the students? उस दिन टीचर है वो स्टूडेंट से किस प्रकार बातें करता है, किस प्रकार बोलते हैं. इन ए ग्रेव एंड जेंटल ट्यून, बहुत ही ज़्यादा गंभीर और जेंटल ट्यून में. व्हेन वॉज द न्यू मास्टर कमिंग, नया टीचर कब आने वाला था. द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी वॉज परफॉर्म्ड आफ्टर द लेसन इन हिस्ट्री. हिस्ट्री के लेसन के बाद कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म की गई क्लास में, कौन सी एक्टिविटी हुई. तो एक्टिविटी हमारी थी चैंटिंग ऑफ बा बे बी बो बऊ बाय बेबीज. मींस जो छोटे बच्चे थे, किड्स थे, उनके द्वारा जो चैंटिंग है वो की गई. मींस जिसको हम कह सकते हैं बारह खड़ी वगैरह हिंदी में वो उच्चारण की गई थी. After history class, why was their country theirs no more? ये जो statement है their country theirs no more, उनकी जो country है, उनका जो देश है, अब वो उनका नहीं रहा, ये इसका क्या मतलब है या क्यों कहा गया ऐसा. Because the Germans were coming to rule them. क्योंकि जर्मन्स है वो वहाँ पे आने वाले थे रूल करने के लिए, शासन करने के लिए, इसलिए उनका देश अब उनका नहीं रहा. Why was M. Hemal in fine Sunday clothes? M. Hemal है वो fine Sunday clothes, सुंदर कपड़ों में क्यों थे. Because it was his last lesson. क्योंकि आज उसका last lesson था, last day था school में. What does M. Hemal write on the board and what does it means? M. Hemal ने board पर क्या लिखा last में और उसका क्या मतलब था. तो एम एम एल ने क्या लिखा था बोर्ड पे? ही राइट्स ऑन बोर्ड विवे ला फ्रांस. ये वर्ड उसने
फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे थे बोर्ड पर चौक से। इट मीन्स लॉन्ग लाइव फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द गेस्चर विद हिज हैंड्स इंडिकेट, उसने जो अपने हाथों से गेस्चर इशारा किया था तो वो क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है, उसका जो इशारा है हाथ से करने का वो क्या था। ही इंडिकेट, सॉरी, द स्कूल इज डिसमिस्ड, जो इशारा था वो इंडिकेट करता है कि स्कूल है वो डिसमिस हो गया है, मींस स्कूल की छुट्टी हो गई है, एंड नाउ यू कैन गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैड एम हेमल सर्व द स्कूल, स्कूल में एम हेमल ने कितने साल तक सेवा की, कितने साल की, 40 ईयर्स। व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या घटित हुआ जब चर्च की क्लॉक ने 12 बजाई। द पर्शियन सोल्जर्स साउंडेड देयर ट्रम्पट, पर्शिया के जो सोल्जर्स हैं वो अपने नगाड़े बजाते हुए जा रहे थे, तो नगाड़ों की आवाज़ है वो विंडो से सुनाई दे रही थी। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वॉज एम हेमल वियरिंग, किस प्रकार के कपड़े जो हैं एम हेमल ने पहन रखे थे। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ड्रेस क्या थी, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। ही वोर दीज क्लोथ्स ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, केवल इंस्पेक्शन के टाइम पर या प्राइज डेज के टाइम पर ही उस ड्रेस को वो पहनते थे। सो बेटा, ये क्वेश्चंस थे हमारे चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन के। स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश की है इसमें कि आपका पूरा चैप्टर है वो इसमें क्लियर हो। सो राइट दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो, ये आपकी मदद करेंगे कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस, जो कॉम्प्रिहेंशन हमारे एग्जाम में आते हैं उनमें भी, और साथ ही कंप्लीट चैप्टर को समझने में, और आप इसमें शॉर्ट आंसर्स भी इनको में से बना सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।